आप सबका स्वागत है। मुझे अतुल जी बता रहे थे कि नॉर्मली हम लोग लेट हो जाते हैं, आज हम टाइम पर आए तो थोड़ा आप लोग लेट हो गए, धन्यवाद। जिसको पूरी देश, पूरा विश्व खोखे सरकार के नाम से जानने लग गया है, ये वो लोग जो 2.5 साल पहले खोखे लेकर आए थे, अब 15-20 दिन बचे हैं और धोखे देकर जा रहे हैं। इनके धोखों की लिस्ट बहुत लंबी है, द लिस्ट ऑफ बिट्रेयल्स इज अ लॉन्ग लिस्ट। और जो ऊंची आवाज में बार 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 झूठ बोलने की जरूरत प्रधानमंत्री तक को पड़ गई, तो आप समझ लीजिए कि ये भी जानते हैं कि इन्होंने कितने धोखे दिए। एक चुनाव में प्रचार करने आते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिंचाई घोटाला हो गया, दूसरे चुनाव में जिस पर आरोप लगाया सिंचाई घोटाले का, उसी को अपने साथ बैठा लेते हैं, तब सिंचाई घोटाला खत्म हो जाता है, और फिर उसके साथ मिलकर घोटाले करते हैं। इसलिए इसको खोखेबाज सरकार, इसको धोखेबाज सरकार कहा जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शर्मा जाएगी अगर 2.5 साल में 250 घपलों की लिस्ट उनको आप पहुंचा दें। इतने कम समय में इतने घपले, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया जितना इस खोखेबाज सरकार ने, इस धोखेबाज सरकार ने किया। लिस्ट आप लोगों से ज्यादा तो हम नहीं जानते, ऐसे कई घपले हैं जो आप हमसे ज्यादा जानते हैं जो हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, पुणे रिंग रोड घोटाला, समृद्धि महामार्ग घोटाला, जलयुक्त शिवार घोटाला, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, धारावी रीडेवलपमेंट घोटाला, कुछ लिस्ट में पढ़ रहा हूं, सारी नहीं पढ़ रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का बता चुका हूं, एम्बुलेंस खरीद में घोटाला। ऐसा लगता है कि महायुति वालों ने सिर्फ एक काम के लिए सरकार बनाई थी कि इतना इन्वेस्ट किया है, इससे 100 गुना ज्यादा वापस लूट के ले जाना है। वो जो खोखे खर्च किए थे उससे कहीं कहीं 100 क्या 200 क्या 1000 गुना ज्यादा भी अगर हम कहेंगे तो कमी नहीं होगी, इतना वो लोग लूट के ले जा रहे हैं। नुकसान किसको हुआ? नुकसान महाराष्ट्र के एक एक नौजवान को, एक एक किसान को, एक एक महिला को, एक एक आदिवासी को, एक एक दलित को, सबको नुकसान देकर जा रहे हैं, सबके साथ धोखा करके जा रहे हैं। किसानों की अगर बात करें, शेतकरी की अगर हम बात करें, 3 घंटे में एक आत्महत्या, किसान की आत्महत्या। कोई और सरकार होती तो वोट मांगने से पहले शर्म आ जाती उनको, कोई और सरकार होती तो वोट मांगने से पहले किसान से माफी मांगती। क्या वादा किया था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल कर देंगे, इनकम आए तो दुगनी नहीं हुई, आयु आधी कर दी किसानों की। ये धोखा है या नहीं आप मुझे बताइए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो यहां लगाना चाहते थे नागपुर, ये हमारे अतुल जी वहीं के हैं, ये बताएंगे आपको किसी दिन। एयरपोर्ट के पास एयरबस की फैक्ट्री लगनी थी, ले गए गुजरात। फॉक्सकॉन ले गए गुजरात। ऐसे फार्मा इंडस्ट्री, इतनी दवाइयों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां लगनी थी, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र के हक का था, महाराष्ट्र के हिस्से का था, वो छीन कर बाकी राज्यों को दे दिया। नुकसान किसको हुआ? धोखा किसके साथ हुआ? धोखा हुआ महाराष्ट्र के नौजवान के साथ। और ये अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो जाता तो 10 लाख नौजवानों को, महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी मिलती। धोखा इसको कहते हैं, इसीलिए इनको हम धोखेबाज सरकार, खोखेबाज सरकार का नाम देते हैं। जमीनें दे दी अपने दोस्त को, गौतम अदानी को,
किसकी जमीन थी, पहला हक उस जमीन पर किसका था, धोखा उनको भी हुआ। स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो लूट हो रही है, हम इसका खुलासा रोज आकर आपके सामने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर करने जा रहे हैं। किस तरह से लूटा गया, किस तरह से धोखा हुआ, किस तरह से लूट खसोट कर लेकर जा रहे हैं, महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। एमएसपी के बारे में रोज हम खबरों में सुनते हैं। अब जिस चीज का ये मजाक उड़ाते थे कि यूपीए सरकार ने किसानों का लोन माफी कर दी, आगे लाइन पर बोलना पड़ा कि लोन माफी करेंगे। सीखना राहुल गांधी से है, लेकिन कोसना भी राहुल गांधी को। ये प्रधानमंत्री जी का एक रूल है, नियम है, उस नियम को वो तोड़ नहीं सकते। नरेगा हो, ऋण माफी हो, राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे कि ये गलत किया, गलत किया, और फिर 5-10 साल जब फेल हो गए वही करने की बात आ गई। लेकिन आप पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है, आपकी जुबान पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है। किसान जानता है कि जो आप कह रहे हैं वो आप करेंगे नहीं। बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत झूठी पार्टी, उससे अलावा और कुछ नहीं। सावित्रीबाई फूले जी का ये इलाका, ये पूरा रीजन, पूरा विश्व प्रेरणा लेता उनसे। वहां महिलाओं की क्या हालत है, एनसीआरबी का डेटा देखिए, महिलाओं की हालत, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ गया है पूरे देश में। बताइए धोखा है या नहीं महिलाओं के साथ। फिर अगर हम कहते हैं कि ये धोखेबाज खोखेबाज सरकार है तो इन्हें बुरा लग जाता है, कहते हैं हमें गाली दे रहे हो। गाली नहीं दे रहे, सच बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, शीशा देख लो, शक्ल देख लो, समझ में आ जाएगा कि आप धोखेबाज हो। महिलाओं की स्थिति बदलापुर में जो हुआ आपके सामने हुआ, लेकिन बीजेपी से संबंधित था, बात को दबा दिया, रफा दफा कर दिया। हमें मालूम है दिल्ली तक में दबाव डाला गया, बड़े बड़े एडिटर्स को फोन गया कि इस पर नहीं डिबेट करनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का आदमी शामिल था। बेटी बचाओ वाले जो नारा देते हैं उनका आदमी शामिल था। आपको मालूम है बृजभूषण शरण सिंह के साथ प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं, बड़े करीब रिश्ते हैं, भाई मानते हैं उनको। हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ जो अपराध हुए, जो अत्याचार हुए, साथ किसका दिया प्रधानमंत्री जी ने? बृजभूषण शरण सिंह का दिया। अब ये तो हुई जो बीमारी, पिछले 2.5 साल से जो बीमारी इस राज्य को दे दी इन लोगों ने, अब इलाज की बात करें। इलाज की अगर हम बात करते हैं तो आपके पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास इसका इलाज क्या है। जब इलाज की बात के बारे में मीटिंग्स हुई हमारे तमाम नेताओं की, अघाड़ी के नेताओं की, एक्सपर्ट्स से भी राय ली गई, लोगों से सलाह ली गई, तो समझ में आया कि जो जख्म ये लोग देकर जा रहे हैं उस जख्म को ठीक करने में खर्चा भी होगा और ये स्कीम्स लानी जरूरी होंगी। तो महिला शक्ति के लिए जो महालक्ष्मी योजना है, इस योजना से मोदी जी को बड़ी परेशानी होती है। इतनी परेशानी होती है कि पहले तो नकल करते हैं, नकल करने में फिर वो अच्छी तरह कर नहीं पाते। जैसे मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूं और इनके झूठ का उदाहरण दूं, राहुल गांधी की बात तो चुपचाप ये रात को भी जाग जाग के सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला, खड़गे साहब ने क्या बोला, फिर वही नकल करते हैं। तो महालक्ष्मी योजना की नकल इन्होंने मध्य प्रदेश में की, 1250 रुपये महीना का। फिर लगा कि नहीं राहुल गांधी तो ज्यादा दे देगा, बोले हम 3000 देंगे। 1 साल होने आया है मध्य प्रदेश, आज तक 1251 नहीं हुआ, 1250 पे अटका हुआ है। इसलिए इनकी बात पर किसी को भरोसा नहीं है। हरियाणा बोले जीतते ही दूसरे दिन सिलेंडर का दाम 450 रुपये 500 रुपये कर देंगे। एक महीना हो गया, एक महीने से ऊपर हो गया, सिलेंडर का दाम कम नहीं हुआ। झूठ इतना बोलते हैं। हरियाणा की बात लगातार हर राज्य में आप इनका रिकॉर्ड देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ
नारे देते हैं, जुमले देते हैं, लेकिन करते नहीं। हम 3000 रुपए हमारी महाराष्ट्र की बहनों को देकर दिखाएंगे, ये लागू करके दिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये 3000 रुपए महीना कर्नाटक में आप अपनी बहनों से पूछ लीजिए कैसे उनको दिया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गैस सिलेंडर, उनको काफी राहत मिली है, ये वहां की बहनें मानती हैं। कृषि समृद्धि, क्योंकि किसानों पे हमने आपसे अभी लंबी चर्चा की, लगातार कर रहे हैं। 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जुबान है, इस पे लोगों को भरोसा है, कोई मोदी की जुबान नहीं है कि कह दिया और चल दिए और फिर दूसरे दिन आया नया नारा ले आए, वो नहीं होगा। ये हम करके दिखाएंगे, यूपीए के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी ये करके दिखाया था, फिर से करके दिखाएंगे। युवकाना जो शब्द है, ये गारंटी हमारे युवाओं के लिए है। 4000 महीने की आर्थिक सहायता उनको हम देंगे, हमारे नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों को महाराष्ट्र में 4000 रुपए महीने का हम उनको देंगे, जब तक कि उनको स्थायी नौकरी नहीं मिले। ये भी एक ऐसी गारंटी है जो 2019 में जब राहुल जी ने ये बोला था तब मोदी जी ने बहुत हंसी उड़ाई थी, अब सर नीचा करके उनको भी इसी रास्ते पे आना पड़ रहा है। कुटुंब रक्षण गारंटी, ये तीसरी गारंटी। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, हमने देखा जब कोविड हुआ, रेमडेसिविर के लिए हम और आप मारे मारे फिर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे, ब्लैक में बिक रहा था सब कुछ। ये सब देखते हुए राजस्थान की हमारी अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना लेकर आए, और आप हैरान होंगे कि जो सो कॉल्ड गुजरात मॉडल वाले लोग हैं, गुजरात के मरीज राजस्थान में इलाज कराने जाते थे, 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज राजस्थान ने दिया, दे के दिखाया। अब नई सरकार आई है तो वहां गड़बड़ शुरू कर दिया, वो अलग बात है। समानतेची हामी, ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण गारंटी है, बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है ये, इस भूमि में ज्योतिबा फूले की भूमि है, इस भूमि से सामाजिक न्याय की आवाज पूरे विश्व में गूंजी। यहां राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल आह्वान किया, हमारी महाअघाड़ी ने कल ये बात की घोषणा की है कि जो 50% की सीमा है आरक्षण पर, इस सीमा को हम तोड़ेंगे, तोड़ के दिखाएंगे, आवश्यकता है तोड़ेंगे। जो कास्ट सेंसस और जो तमाम सेंसस की बात हो रही है, आर्थिक आधार पूरा देखना पड़ेगा, उन सबको देखते हुए 50% सीमा आरक्षण पे खत्म कर दी जाएगी, ताकि दलितों, वंचितों और पिछड़ों को जो अधिकार नहीं मिले हैं वो उन्हें मिल सके। अब 23 नवंबर का दिन है, बड़ा मोदी जी सारे ज्योतिषियों से पूछकर दिन फिक्स करते हैं, तो जिस ज्योतिषी से उन्होंने पूछकर 4 जून का दिन फिक्स किया था, उस ज्योतिषी को अब वो ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। उसने कहा था 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आपको 400 हो जाएंगी, अब वो ज्योतिषी अंडरग्राउंड हो गया। अगर आपके पास कोई अच्छा ज्योतिषी हो तो उसका नंबर मोदी जी को दे देना, उनको जरूरत पड़ेगी। उनके सारे ज्योतिषी अब फेल हो गए, महाराष्ट्र में भी उनका ज्योतिषी फेल होने वाले हैं। 23 जून को ये खोखेबाज और ये धोखेबाज सरकार जा रही है, इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा है, इस पर लोगों को भरोसा है। ये हम आपके सामने तमाम लोग बैठकर गारंटी दे रहे हैं, हाथ जोड़कर वादा कर रहे हैं, ये हम करके दिखाएंगे। आपके सवाल जी, आपकी ये महालक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री आपकी जो ये महालक्ष्मी योजना है, इसमें 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। अभी जो सरकार चल रही थी, 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया और उन्होंने दिया। उस समय कांग्रेस के अनेक नेताओं ने इस बात का विरोध किया कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जब वो 1500 रुपए दे ही नहीं सकते तो आप 3000 रुपए। आपने देखा उसके बाद चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के बीजेपी से क्या रिश्ते हैं उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। फिर चुनाव आयोग से रोक भी लगवा दी। क्यों लगवाई? अरे जब सरकार चलानी नहीं आती तो ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? हमने तो करके दिखाया,
हमारे जो राज्य हैं वो करके दिखा रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। इसलिए जब हम कुछ कहते हैं तो हमें मालूम है कि हम कर पाएंगे, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने देखो कैसे चुनाव आयोग से फिर खुद पिछले दरवाजे से रोक लगवा दी। हरियाणा में चुनाव जिस दिन चल रहा था उस दिन किसानों के खाते में पैसे कैसे आ रहे थे, तब तो चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने रोक लगाई, आप खुद समझ लीजिए किसने लगवाई होगी। क्योंकि इन्हें किस तरीके से जो लुभाने वाले वादे कर रहे हैं वो किस तरह से पूरा कर रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं? अच्छा आप बोल दो फिर मैं भी बोलूंगा। यही सवाल कर्नाटक में आप जैसे हमारे किसी भाई ने पूछा जब चुनाव चल रहा था, और तब भी हमने कहा था कि हम करके दिखाएंगे। सरकार चलानी आती है, काम करना आता है। अब ये 40% कमीशन वाली सरकारें तो नहीं कर सकती, मैं मानता हूं। जब कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी ने कहा इनको कि आप 1500 नहीं दे पाएंगे तो हम जानते हैं ये नहीं दे पाएंगे, 40% कमीशन वाली सरकारें हैं, इनको अर्थशास्त्र का अ नहीं मालूम, ये अनर्थशास्त्री हैं, हमें मालूम है कर्नाटक करके दिखा रहा है। हिमाचल ने ओपीएस भी कर दी, महालक्ष्मी भी कर दी, तेलंगाना 10 में से 5 गारंटियां लागू कर चुका है, अब बाकी 5 करने की बारी आ गई है, तो हम तो करके दिखा रहे हैं। ये 1 महीना दिया और उसके बाद चुनाव आयोग से रोक कैसे लगवाई, मुझे तो ये बताइए। इसलिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी एक तरफ, भाजपा दूसरी तरफ। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएगा कि हम अगर कहते हैं तो हमें मालूम है कि कैसे करना है। एक एक करके एक एक करके वो बताइए। बिल्कुल बताएंगे, कहीं कोई कटौती नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। सरकार चलाना आता है, यही जब मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी ने लोन वेवर किया किसानों का, तो अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी संसद में खड़े होकर ऐसे ही बोला, पैसा कहां से लाओगे जी? पैसा भी आया, ऋण माफ भी हुआ, टैक्स भी नहीं बढ़ा, कटौती भी नहीं हुई, कोई सब्सिडी नहीं काटी, पेट्रोल भी 71-72 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया। 100 रुपए पेट्रोल पे लेते हो, 100 रुपए डीजल पे लेते हो, 1100 रुपए का सिलेंडर बेचते हो और फिर भी 1500 देने में शर्माते हो। इनसे और हमसे कोई तुलना मत करिए, ये हमारा भी अपमान है और महाराष्ट्र की जनता का भी अपमान है। अभी जवाब दे आपसे भी। अभी जो सरकार ने योजना लाई है खासतौर पे लाडली बहन योजना के तहत, सारे डिपार्टमेंट का जो फंड था वो सारा इधर ट्रांसफर कर लिया, इसी तर्ज पे वो महिलाओं को पैसे दिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसी तर्ज पे काम करेगी कि सारे डिपार्टमेंट? मैं आपको फिर से उदाहरण देता हूँ, समझ गया नहीं इसके बारे में महाविकास अघाड़ी ने आज हमारा पूरा रोड मैप, अरे मुझे मालूम है, जवाब देना आता है भाई, क्या बात कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनेगी आपको पूरा रोड मैप, अभी से हम अपना आइडिया इनको नहीं देंगे लेकिन पूरा रोड मैप देंगे। जब किसानों का ऋण माफी किया था तब, मैं आपको वापस से याद दिला रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं, बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कहीं कोई डायवर्शन नहीं हुआ, कहीं किसी और मंत्रालय से किसी और योजना से डायवर्शन करके फंड्स का किसानों के लिए किया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो जब हमने पूरे देश में ये करके दिखाया तो ये महाराष्ट्र में हम क्यों नहीं कर पाएंगे, जरा हमें बताइए। हम तो प्रधानमंत्री से आज एक चुनौती दे रहे हैं इस मंच से, कल हमने देखा कि ये ऋण माफी की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री जी चुनौती स्वीकार कीजिए, कल घोषणा कीजिए कि पूरे देश के किसानों की ऋण माफी करेंगे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने किया था। एक लेडी को पूछ लेने दीजिए, सुषमा। और दूसरी तरीके से अंदर ब्लैंक है,
अब मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आई उसमें तो पूरा संविधान है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती है। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है, सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है, ये जो बोल रहे हैं ना इनका दिमाग खाली है। अरे बोलने दीजिए ना, संविधान से इनको शुरू से आपत्ति रही है, आज से नहीं हो रही है। नए नए बहाने ढूंढते हैं संविधान के खिलाफ बोलने का। हम तो इनको संविधान की कॉपी भी भेजने को तैयार हैं, लेकिन उस पर अमल करें। जब शपथ लेते हैं संविधान की तब नहीं देखते संविधान की कॉपी का रंग क्या है। शपथ लेने के लिए तो भागे चले जाते हैं, सुबह सुबह 4-5 बजे चले जाते हैं शपथ लेने, तब नहीं देखते किस रंग का संविधान है। संविधान का रंग होता है, संविधान पे अमल करना सीखिए। इनको कहिए अब 5 साल विपक्ष में बैठें और रोज संविधान को पढ़ें, रंग ढूंढ रहे हैं संविधान में। अरे तभी तो कहा ना, क्योंकि लाल रंग का संविधान था। आप इनको इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं? मोदी जी की पार्टी के लोग अब उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, सच बता रहा हूं। अब उनका परिवार नहीं तो उसमें नहीं कहूंगा कि परिवार के, उनके भाई उनको गंभीरता से नहीं लेते, उनके कैबिनेट उनको गंभीरता से नहीं लेता। आप पता नहीं एक ही आदमी पर इतने सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, खिल्ली नहीं उड़ाते हम, सीधा सीधा बात करते हैं कि साहब आपके बस की नहीं है कि आप ये लागू कर सकोगे। हम 1500 का डबल कर रहे हैं, 3000 और करके दिखाएंगे। देखिए एक बात सुन लीजिए मैडम, एक बात सुन लीजिए, क्या हम महिला अपराध पे चुप बैठे रहे? जी नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। वो बदलापुर में हो, वो कोल्हापुर में हो, वो हाथरस में हो, वो दिल्ली में हो, कहीं भी हो, हम बोलेंगे और बोलेंगे। अब महिला अपराध में सरकार की निंदा कर लें तो किसी को बुरा लगता है, तो उनको कहिए कि पहले आंकड़े ठीक करवाइए, महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद कीजिए, फिर बुरा मानिए, हम तो बोलेंगे। आप 1500 की बात करके चुनाव आयोग से रुकवाते हैं, हम 3000 दे के दिखलाएंगे। ये चुनौती हमने स्वीकार कर ली है, डबल करके बता रहे हैं, और हम मोदी जी को अब चुनौती देते हैं। कहिए पूरे देश के किसानों का ऋण माफ करने की हिम्मत है या नहीं है? एक एक करके आप गाइड करो, माइक दे दो। दोस्त एक बात सुन लो, ये शब्द गलत है, ये कोई मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूं, ये महाराष्ट्र का ही पैसा महाराष्ट्र को मिले, उनका न्याय, उनको हक है उनका, ये तो मुफ्त योजना नहीं है, ये आप ही का पैसा है, आपको मिले, इनकी जेब में नहीं जाए, जिनकी जेब में जाता है पिछले 2.5 साल से जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रेस वार्ता में बोला, हमने करके दिखाया है, कर्नाटक ने करके दिखाया, बावजूद इसके कि जो जीएसटी का हिस्सा हमारे राज्यों को देने में ये लोग विलंब करते हैं, लेट करते हैं, उसके बावजूद हमने करके दिखाया है। इसलिए हमें मालूम है कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं, अर्थशास्त्र हमें समझ में आता है। इनको सिर्फ 40% कमीशन लेना आता है। जी नहीं, आपको करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र में मानिका सकरी और कांग्रेस 11 माह के तौर पर लड़ रही है, दोस्ताना के साथ लड़ रही है, लेकिन कई जगहों पर बगावत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है। रामटेक की एक विषय है, रामटेक में जो बगावत हुई है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 6 साल के लिए निष्कासित करेंगे, लेकिन एक बात यह है कि रामटेक के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और दूसरी बात, उसमें अभी देर निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो
नेता है बहुत नाराज है इस बात को लेकर कि भी कांग्रेस पार्टी ने भाई लोकल क्वेश्चन है तो मेरे को आइडिया है लोकल क्वेश्चन है हो गया आदेश दे दिया है खुद चंडीतला साहब ने आदेश दिया है कि आज शाम तक जो है जितने भी रिटर्न्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी सर मेरा वो जो पूछना चाह रहे थे एक मिनट उनको दे दो पहले आज अब आपने पूछ लिया तो मेरे को ये बात मुझे ये बात लीक करनी पड़ जाएगी आप सबकी अनुमति से कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग FIR भी कराने जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं। इस तरह का झूठ चुनाव आयोग ने कैसे छपने दिया इस पर हम बहुत कठोर एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि ये बिना जांच किए चुनाव आयोग ने इसको मंजूरी कैसे दे दी इस एड को। अरे आप देखते जाइए क्या क्या मांगेंगे सर। कल एक राज ठाकरे ने अमरावती में रैली की थी उसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से मौलाना कांग्रेस को वोट देने के लिए फतवा निकाल रहे हैं। देखिए हमारे मुद्दे आपको सामने दिख रहे हैं महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए अगर मुद्दों पे कोई चुनाव लड़ने महाअघाड़ी आई है तो इन सबको बड़ा बुरा लग रहा है। इनके मुद्दे क्या हैं ये आपके सामने हैं। इनके मुद्दों पर मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारे मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे महालक्ष्मी हैं हमारे मुद्दे नौजवान हैं हमारे मुद्दे शेतकरी हैं हमारे मुद्दे आपके सामने। परमानेंट सोल्यूशन इज एम्प्लॉयमेंट। इफ दिस गवर्नमेंट हैड नॉट अलाउड और फोर्स्ड बिग इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ सेटिंग देम अप इन महाराष्ट्र दे वर फोर्स्ड टू सेट देम अप इन गुजरात एंड अदर स्टेट्स वी वुड नॉट हैव फेस्ड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच दिस स्टेट इज फेसिंग। सो द परमानेंट सोल्यूशन इज एम्प्लॉयमेंट एंड द वे टू गेट एम्प्लॉयमेंट इज टू एंश्योर दैट दीज लार्ज इंडस्ट्रीज आर सेट अप इन महाराष्ट्र which you will see under our government of the Mahavikas Agadi. सवाल देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी जी को लेकर सवाल खड़ा किया क्योंकि इर्द गिर्द अल्ट्रा लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं व भारत जोड़ो यात्रा में करीब 150 नक्सली विचारधारा के संगठन थे जो सिविल सोसाइटी के रूप में लोकसभा चुनाव में काम कर रहे थे। इस आरोप पर आपका पक्ष क्या है? देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ के न एक दूसरे को लेफ्ट में बर्दाश्त कर पाते हैं अपने न एक दूसरे को राइट में बर्दाश्त कर पाते हैं अपने। सुनते हैं कि फडणवीस जी उनकी फाइलें रुकवाने की षड्यंत्र रचते थे और ये उनकी फाइलें रोक देते थे। पहले आपस में लेफ्ट राइट ठीक कर दें अपना फिर हम पर आरोप लगाएं। हम पूरे देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं चलाना जानते हैं। देश संविधान और नियम कानून से चलता है। देश इनकी झूठे नारों से और खोखली बातों से नहीं चलता। आप 2.5 साल से चोरी करके सरकार में आए हो और चोरी करने सरकार में आए हो आप अपने 2.5 साल का रिपोर्ट दीजिए। राहुल गांधी लेफ्ट राइट सेंटर क्या करे जा रहे हो आप? क्या देश में लोगों को चुनाव प्रचार करने का हक नहीं है वोट देने का हक नहीं है वो भी छीन लोगे संविधान बदलना चाहते हो? सबको हक है कि वो अपनी राजनीतिक बात करें वो वोट दें वो प्रचार करें जिस पार्टी के लिए चाहे। अब आपकी पार्टी के लिए उन्होंने नहीं किया प्रचार तो वो लेफ्टिस्ट हो गए वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हो गए वो आतंकवादी हो गए। क्यों? जब आपको सूट करता है आप अलायंस कर लेते हो। आपको उदाहरण देता हूं मैं तो खुलकर बोलने की मेरी आदत है। आज से 5 साल पहले नहीं 3 साल पहले नहीं 2 साल पहले प्रफुल्ल पटेल जी के लिए कहते थे दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं इकबाल पता नहीं किस किस से रिश्ते हैं। आज प्रफुल्ल पटेल जी इनके साथ हैं। या तो तब गलत था या अब गलत है। तो प्रफुल्ल पटेल जी से मोदी जी माफी मांगे कि साहब मैंने गलत आरोप लगाया था आप पर आप तो दाऊद के चेले नहीं हो। और अगर दाऊद के साथ वो हैं तो मोदी जी के साथ क्या कर रहे हैं? अजीत पवार दूसरा नाम पूरा एक व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर निकाल के बोले अजीत पवार का 80,000 करोड़ का घोटाला। अब अजीत पवार इनके साथ हैं कहां गया घोटाला? ऐसे अनेक उदाहरण हैं पूरे देश के उदाहरण मैं सिर्फ महाराष्ट्र के आपको उदाहरण दे रहा हूं।
तो इनकी बातों को आप गंभीरता से मत लीजिए। जिनको ये आज कह रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ किसी ने प्रचार कर दिया तो बोले नक्सल है, वो अगर इनके लिए प्रचार करेगा तो उसको मंत्री बना देंगे। वी हैव लर्नड फ्रॉम हरियाणा, वी अश्योर यू वी विल नॉट लेट दैट हैपन, and everybody in the election commission should hear this loud and clear. We are absolutely vigilant. We will not allow any foul play in the election process. Pawan ji, isi se juda hua ek sawal hai mera, yahan kya course correction kiya gaya haryana ki haar ke baad, us bare mein agar aap kuch jankari dikhega aapko maharashtra mein dikhna shuru ho jayega, prachar mein bhi aur chunav ke dauran bhi aur voting counting ke dauran bhi. Yogi ne nara diya hai. Kisne? Yogi ne. अब बांटने वाले खुद ये नारा देते हैं, बताओ। हम तो बार बार कहते हैं देश को बांटो मत, जब भी ये देश बंटता है ये देश कटता है। हम देश की बात करते हैं, ये धर्म के नाम पर देश को बांटते हैं और फिर कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये आप बांटना बंद कर दीजिए फिर ये नारे की जरूरत नहीं पड़ेगी।